तो रिसेंटली कुछ ही घंटों पहले डॉन 3 का टाइटल अनाउंसमेंट टीजर आया स्टारिंग रणवीर सिंह। अब हाँ, तुमने सही सुना, ये वही पुरानी SRK वाली डॉन फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट है जिसमें SRK नहीं है। वैसे इसको डॉन 3 बोल क्यों रहे हैं, एक रिबूट घोषित कर दो ज्यादा सेंस बनाएगा, वैसे छोटा डॉन भी कह सकते हैं। खैर, अब ये डिसीजन कितना गलत है और इसके बाद एक्सल मूवीज और फरहान अख्तर को कितनी गालियां पड़ेंगी वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस अनाउंसमेंट टीजर की बात करते हैं। तो इस टीजर में हमें काइंड ऑफ रणवीर सिंह का एज डॉन फर्स्ट लुक भी दिख जाता है, जिसको देख के लगता नहीं है कि ये डॉन है। भाई डॉन का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि भाई स्क्रीन प्रेजेंस से बंदे की फट जाए, ऐसा फील होना चाहिए कि बंदे में कुछ तो दम है, कुछ तो बात है बंदे में, लेकिन अफसोस वो यहाँ पे फील नहीं होता। आप ये लुक खुद देखो, किसी भी एंगल से आप कहोगे कि भाई ये बंदा डॉन का रोल प्ले कर रहा है। मतलब रणवीर सिंह की कोई भी पिक्चर उठा लो, उसमें से कोई एक स्क्रीनशॉट ले लो मूवी के अंदर रणवीर सिंह के कैरेक्टर का और इससे मिला लो, कुछ खास अंतर तुमको दिखेगा ही नहीं। उसके अलावा इस टीजर के अंदर यूज हुए डायलॉग्स की बात करें तो वही सिमिलर काइंड ऑफ डायलॉग्स यूज हुए हैं, मतलब पुरानी डॉन वाली वाइब बनाने की कोशिश की गई है। बट भाई डायलॉग तो ठीक है, डायलॉग बुरे नहीं है, पर डायलॉग डिलीवरी बहुत ऑफ है भाई। यहाँ पे जितने भी बंदों ने टीजर देखा है कोई एक बंदा भी नहीं कहेगा कि भाई जो डायलॉग डिलीवरी है वो ऑफ फील नहीं हुई उसे, डायलॉग डिलीवरी से ऑलमोस्ट हर एक बंदा डिसअपॉइंटेड है। अब अगर हमने पहली डॉन मूवी में अगर रणवीर सिंह को देखा होता एज डॉन तो शायद हमें ये टीजर अभी अच्छा लग रहा होता, हम इसे प्रेस कर रहे होते। लेकिन भाई आपसे पहले ही किसी लेजेंड ने, किसी गोट ने इस रोल को ऑलरेडी प्ले कर रखा है तो लोग आपको ऑलरेडी उससे कंपेयर करेंगे ही। एंड नो मैटर व्हाट, आप कितना हार्ड कोशिश कर लो, कितना परफेक्शन ला लो अपने लेवल पे, हो सकता है कि आप उस लेवल की मूवी बना भी दो लेकिन भाई ऑडियंस फिर भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो मूवीज लिटरल मास्टरपीस से कम नहीं है। अब आई नो कि मैं थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा हूं और मूवी अभी अपने इनिशियल स्टेजेस पे है, तो इतना जल्दी जज करना किसी भी एंगल से सही नहीं होगा। और चलो एक पल को मान भी लेते हैं कि भाई एक्सल मूवीज वालों ने एक बहुत बढ़िया सी डॉन 3 मूवी बना के हम सबके सामने रख भी दी, लेकिन SRK को ना कास्ट करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अब रीजन चाहे जो भी रहा हो, SRK ने मना कर दिया, आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे SRK की, या फिर आपकी स्टोरी सिर्फ एक कैश ग्रैब थी जिसकी वजह से SRK ने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब रीजन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन बैकलैश तो आपको तगड़े सुनने को मिलेंगे। अब मैंने इतना सब कुछ बोल दिया टीजर के बारे में तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीजर पूरा बुरा ही है, टीजर में एक अच्छी बात भी है एंड वो लिटरल इस पूरे टीजर का बेस्ट पार्ट भी है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से बहुत से लोगों को वो चीज पसंद भी आई होगी, वो है इस टीजर के एंड में प्ले होने वाला इसका म्यूजिक। और वो क्यों पसंद आया लोगों को ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब ऑडियंस तो पहले से ही भड़की हुई थी जब से इस मूवी के रूमर्स आने स्टार्ट हुए थे, एंड इवन इसके अनाउंसमेंट टीजर के कमेंट सेक्शन में भी तुम ये चीज आसानी से देख सकते हो, जहां भाई बंदे दंगे करवाने पे तुले हुए हैं इस मूवी को लेके, बॉयकॉट ट्रेंड करवा रहे हैं। क्या मतलब, आज तक एक भी बॉयकॉट ट्रेंड सक्सेसफुल नहीं हुआ बॉलीवुड के अंदर। खैर जो भी हो, अभी के लिए ये मूवी मुझे सिर्फ एक कैश ग्रैब लग रही है, सिंस अगर आपको इसका पार्ट 3 बनाना ही था तो अभी तक क्या आप सो रहे थे, इतना टाइम था आपके पास, आपने क्यों इसका पार्ट 3 पिच भी नहीं किया, अनाउंस तक नहीं किया और इतने सालों बाद आप पार्ट 3 बना रहे हो। गदर 2 और Oh My God 2 को देख के हाइप हो गए क्या अभी आप अपने मूवीज को लेके, और सोच रहे हो कि थोड़ा पैसा और छाप लिया जाए डॉन 3 के नाम पे। अब ये मूवी वर्क करेगी या नहीं ये ऑडियंस पे डिपेंड करेगा, आप पे डिपेंड करेगा। ये तो था मेरा ओपिनियन, आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अवि एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अवि।